ठियोग के संधू पंचायत के जदेव गांव में पुलिस ने बड़े स्तर पर अफीम की खेती को नष्ट किया है। डीएसपी ठियोग कुलविंदर सिंह ने बताया कि गांव में कुछ लोगों ने अफीम की खेती की सूचना पुलिस को दी थी। अफीम की खेती करने वालों पर कार्रवाई के लिए 5 अलग अलग पुलिस की रेडिंग पार्टियां तैयार की गई और सभी के मकान के आंगन के सामने वाले खेत में धनिया सेब गोभी के पौधों के बीच अफीम के पौधे पाए गए। इसमें कुल 5,836 पौधे पाए गए हैं। अब इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नमस्कार मित्रों, मैं उपप्रधान ग्राम पंचायत निचार, जिला महामंत्री भाजपा जिला किन्नौर, मैं आप सभी जनमानस से अपील करता हूं कि ये वैश्विक महामारी कोरोना को हराने के लिए आप अपने घर पर रह कर के ही सरकार का सहयोग करें, मुंह पर मास्क लगा करके घर से बाहर निकले, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। नमस्कार मित्रों, आज हमारा देश जो है उस कोरोना की महामारी से गुजर रहा है और इसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश पे भी पड़ा हुआ है। आज हमारे सभी लोग जो है घर में कैद होकर के रह गए हैं। इस संकट की घड़ी में मैं आपका नुमाइंदा होने के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूँ। किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, चाहे वो सरकारी है चाहे निजी है, वो मेरे से टेलीफोन पे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा संदेश भी है आप लोगों को कि कोशिश करें कि वे घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, और घर से अगर निकलें तो मास्क पहन करके निकलें और एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें कि एक दूसरे व्यक्ति के बीच में कम से कम 1.5 से 2 मीटर का जो है वो फासला होना चाहिए। मैंने विधायक निधि से 5 लाख रुपए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की चीज़ें हैं जो कोरोना से संबंधित हैं, उनके लिए 5 लाख स्वीकृत किए हैं। और आज ही मैंने CMO नाहन और BMO शिलाई और BMO राजपुरा से विस्तृत चर्चा की है कि इस संकट की घड़ी में कोरोना की महामारी में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा अधिक जरूरत है उसको खरीदा जाए ताकि लोगों को भी उसका फ़ायदा हो और लोगों को भी बचाया जा सकता है। जिसमें हमने फैसला किया है कि हर घर को मास्क उपलब्ध कराया जाएगा और थर्मल स्कैनर जो है वो हर हॉस्पिटल में और हर डॉक्टर के पास जो है थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जो टेम्परेचर है, किसी को तापमान है, उसका एक फासले पर रह करके थर्मल स्कैनर से जो है वो डॉक्टर जो है वो पता लगाएगा कि उसको टेम्परेचर है कि नहीं है। और इसके साथ हमने हैंड सैनिटाइजर्स को उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए हैं। और जो बड़ी PHCs है जहाँ पे OPDs है, जहाँ पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जैसे शिलाई है, कफट्टा है, राजपुरा है, वहाँ पे एक मशीन जो है हैंड सैनिटाइजर की मशीन जो है जिसको पैर से ऑपरेट किया जाता है, उसको खरीदने के भी मैंने BMOs को आदेश दिए हैं कि भी तीनों जगह पर जो है ये मशीन को इंस्टॉल किया जाए ताकि उसमें जो है बचाव किया जा सकता है। मैंने पिछले कुछ अरसे में जो भी अपने क्षेत्र की समस्याएं थी, जो इस प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर लोग फंसे थे, उनको सरकार के समक्ष उठाया है और हमने कोशिश की है। लोग अपने घरों में आए हैं और बहुत सारे लोग आए भी हैं, और अब जो लोग रह गए हैं हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में उनको भी तुरंत घरों को वापस लाया जाए। इस संकट की घड़ी में मैं आपका नुमाइंदा होने के नाते आपके साथ खड़ा हूँ। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो सकती है वो कभी भी मेरे से टेलीफोन पर संपर्क करें, मैं आपकी जो दिक्कत और समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत